एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम यहां पर आप लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी लेकर आए हैं दोस्तों। जी हां दोस्तों, अगर आप यहां पर है 10वीं पास, 12वीं पास, मेल फीमेल फ्रेशर्स, कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप यहां पर इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। जो आप लोगों के लिए वैकेंसी निकली है दोस्तों, वो निकली है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। जी हां दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में यहां पर आप लोगों के लिए वैकेंसी निकली है। पक्की सरकारी नौकरी है, पोस्टिंग दिल्ली में रहेगी, तो बहुत ही सुनहरा मौका यहां पर आप लोगों के लिए आ गया है दोस्तों। मोतीलाल नेहरू कॉलेज में यहां पर आप लोगों की जो है वैकेंसी आउट हुई है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं, कौन कौन सी वैकेंसी है, कैसे आपको अप्लाई करना है, एज क्राइटेरिया मांगा गया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया, क्या यहां पर आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। उससे पहले आप सभी लोग हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बात की जाए दोस्तों, यहां पर जो आप लोगों के लिए पहली वैकेंसी निकली है वो निकली असिस्टेंट की, जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है। वो मांगी गई है कि आप यहां पर ग्रेजुएट होने चाहिए। आप यहां पर किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट है तो आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। कोई और एडिशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहां पर आपसे नहीं मांगा गया है। 30 साल तक की आपकी उम्र मांगी गई है। लेवल 4 के तहत यहां पर आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की, वो निकली है जूनियर असिस्टेंट की। जी हां दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट की यहां पर आप लोगों के लिए वैकेंसी आउट हुई है, जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है। वो मांगी गई है 12th पास। उसी के साथ साथ दोस्तों यहां पर आपको टाइपिंग आनी चाहिए, जिसमें आपकी स्पीड मांगी गई है 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। अगर आप इन चीजों में क्वालिफाई हैं तो आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। कोई और एडिशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा गया है। 27 साल तक की आपकी उम्र मांगी गई है। लेवल 2 के तहत यहां पर आपको सैलरी प्रोवाइड करी जाएगी। अब बात करी जाए नेक्स्ट वैकेंसी की, वो निकली है लेबोरेटरी अटेंडेंट की, जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है कि आप यहां पर 10th पास होने चाहिए, उसमें आपके पास साइंस एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आप 10th पास है और आपके पास 10th में साइंस थी तो आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। 30 साल तक की आपकी उम्र मांगी गई है। लेवल 1 के तहत यहां पर आपको सैलरी प्रोवाइड करी जाएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एज रिलैक्सेशन की, तो एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स यहां पर आपको एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करे जाएंगे। ST SC को 5 साल का, OBC को 3 साल का। यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है। ये करना होगा आपको ऑनलाइन अप्लाई। एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आपको जाना है, लिंक पे क्लिक करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर देना है। एप्लीकेशन फॉर्म को ध्यान से फिल कीजिएगा, उसमें किसी प्रकार की कोई गलती मत करिएगा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स बिल्कुल वैलिड डालिएगा। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म की फीस भी पे करनी है, जो कि रहेगी जनरल एंड OBC कैंडिडेट के लिए 500 रुपये, EWS ST SC के लिए 250 रुपये, विमेन एंड PWD कैंडिडेट को यहाँ पर किसी तरीके की कोई फीस पे नहीं करनी है। आप चाहे तो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं फॉर द फ्यूचर रेफरेंस के लिए। इस फॉर्म को फिल करने की जो आपकी लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 2 दिसंबर 2023। जी हाँ दोस्तों, 2 दिसंबर 2023 से पहले पहले आपको इस फॉर्म को फिल कर देना है। यहाँ पर दोस्तों फॉर फर्दर नोटिफिकेशन के लिए वेबसाइट को रेगुलरली गो थ्रू करते रहिएगा। एडवर्टीजमेंट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। एडवर्टीजमेंट को अपने आप गो थ्रू जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग आर वीडियोज़।